नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर पालिका निगम चिरमिरी के तत्वाधान में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हल्दीवाड़ी चिरमिरी द्वारा रन फॉर ग्रीन चिरमिरी कोरिया के द्वारा स्कूली बच्चों ने मैराथन दौड़ लगाकर एक पौधा एक संकल्प के उद्देश्य के साथ पर्यावरण बेहतर बनाने के लिए मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल एवं नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर और श्रीमती कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री बिरहा, पार्षदगढ़ एसडीएम चिरमिरी, तहसीलदार के अलावा भारी मात्रा में लोगों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय हल्दीवाड़ी चिरमिरी से आज एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने तफ्ती में वृक्षारोपण संबंधी अनेक स्लोगन को दर्शाते हुए रैली में भाग लेते हुए आगे बढ़े। हल्दीवाड़ी कालीबाड़ी मंदिर के पास लगाए जा रहे वृक्षों में भाग लिए सर्वप्रथम मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने प्रथम विश्व लगाकर इसकी शुरुआत की। तत्पश्चात नगर पालिका निगम की महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल, एसडीएम चिरमिरी, तहसीलदार चिरमिरी द्वारा एवं पार्षदगढ़ सभापति के अपने अपने स्थान पर बने वृक्षारोपण किया, जिसे भारी संख्या में जनसमूह ने भी इस विचार ऊपर भाग में लेते हुए इस कार्यक्रम में सफल बनाने में नगर निगम का सहयोग प्रदान किया। मूलू मॉल में नमाज पढ़े जाने के वायरल वीडियो पर मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा दिए गए बयान के बाद अयोध्या में संतों में खासी नाराजगी है। प्रतिष्ठित संत विष्णुदास ने मुसलमानों को अपनी सीमाओं में रहने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर हिंदू भाई ने ठान लिया तो तुम कहाँ जाओगे, इसका पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि चाहे वो ओबीसी हों, मुस्लिम समाज के लोग हों या सपा कांग्रेस के नेता हों, सभी हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणियां करते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि नूपुर शर्मा को सजा तभी मिलनी चाहिए जब ओबीसी को भी सजा दी जाए। उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से बयान देते हुए दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखने और दूसरे धर्म को आदर देने की भी बात कही। हमारे संत समाज और हमारी संस्कृति में जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवताओं हैं, उन पे गलत टिप्पणियां करते हैं, ये निंदनीय अपराध है। किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी धर्म के विपरीत आप कार्य करें। जो नूपुर शर्मा ने बयान दिया, इस बयान के आधार पे नूपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी, और दूसरी बात ये है कि उदयपुर में इतना घिनौना कांड हुआ है, ये एक भय बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा घटना चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अनुसार होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि नूपुर शर्मा को तब जेल होगा जब ओबीसी हमारे देवी देवताओं पे टिप्पणियां गलत देते हैं और मुस्लिम भाई देते हैं गलत टिप्पणियां, और समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के गलत टिप्पणियां देते हैं, जब उनको जेल होगी तो इनको होगी। सुप्रीम कोर्ट से यही हमारा डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बाफी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारह ट्रू मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में समस्त थानों में गठित पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल, बाजार, चौराहों आदि पर भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक कल्याण मलमीड़ा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सोजीलाल मीड़ा के सुपरविजन के तहत निरीक्षक रामकिशन गोदारा के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में
सशक्तिकरण विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों व गांवों में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कमांडो स्वतंत्र सैनी व कृष्णा गोचर ने निपुणता से जानकारी देकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कमला शिक्षण संस्थान राजकीय विवेकानंद मॉडल विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर जागरूक किया गया। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। राम मंदिर के लिए आमरण अनशन पर चर्चा में आए तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस दास समय समय पर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने आगरा के ताजमहल में तेजो महालय बता करके प्रवेश कर पूजा के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ताजमहल चर्चा का विषय बना रहा। तमाम रिट भी न्यायालय में दाखिल हुई। इसी तरह अब एक बार और चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उनका दावा है कि ज्योतिषी और शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय किताबों के अनुरूप 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बयान देकर उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन दावा उनका ये भी है कि ये ज्योतिषी के अनुसार कहा जा सकता है कि 2025 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मुहिम चल रहे हैं। जगत गुरु परमहंस दास के बयान के बाद अब हलचल मच गई है। प्यारे देशवासियों, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ज्योतिष के आधार पर आज मैंने देखा कि 2025 तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। रेली में महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि जमीन के खातिर मेरी बहन को गला दबाकर हत्या कर दी। 10 साल पहले पति की जहर खाने से हो गई थी मौत। मृतक कुमारवती के भाई नेत्रपाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन थाना आंवला के गाँव पड़ुआ निवासी 35 वर्षीय महिला कुमारवती पत्नी स्वर्गीय कुमार पाल को ससुराल वालों ने 15 बीघा जमीन हड़पने के चक्कर में उसकी हत्या कर दी। बताया कि जमीन 60 बीघा है, उसमें से 15 बीघा जमीन कुमारवती को मिली है। कुमारवती के पति कुमार पाल की 10 साल पहले जहर खाने से मौत हो गई थी। कुमारवती के 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। कुमारवती की 15 बीघा जमीन को छीनने के लिए कुमारवती को उसकी सास नेक्सो देवी, ससुर विद्याराम, जेठ देवीदास, देवर बाबू, राकेश ने गला दबाकर हत्या कर दी। मायके वालों को सूचना मिली, घर पहुंचे तो ससुराल वाले सब भाग गए। मृतका के परिवार वालों ने थाना में सभी के खिलाफ तहरीर दी है। नेत्रपाल, आपकी कौन थी? बहन। क्या नाम था? कुमारवती। कैसे खत्म हुई, क्या किस तरह हत्या कर ली? ससुराल वालों ने गला दबा के जान से मार दिया। क्यों मारा?
वही जमीन का बंटवारे को लेकर। क्या नाम बताओ? वही घर से निकालना चाहते थे और खाने पीने के लिए देते नहीं थे और परेशान करते थे। कितने हिस्से की जमीन थी? 15 बीघे। इसको हटाना चाह रहे थे लोग जी? किस तरह से उन्होंने मारा है इसको? गला दबा के मारा है। इनके पति क्या करते थे? वही खेती बाड़ी करते थे। कितने साल हो गए पति को? लगभग 10 साल हो गए। वो कैसे खत्म हो गए? वो उनको भी परेशान किया था लेकिन उन्होंने जहर पी दिया था। किस किस के खिलाफ आपने शिकायत करी है? इनके देवर हैं, जेठ हैं और सास ससुर सभी लोग हैं। आप जब पहुंचे तो बॉडी कहाँ थी? घर पे थी या कहीं थी? घर में पड़ी थी, जमीन पे पड़ी थी जी। क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने कोई था ही नहीं घर में, सब लोग आए थे, ताला मार के फरार हो गए थे। दो बच्चे भी गायब हैं। आपको लग रहा है गला दबा के हत्या करी जी? और दो बच्चे भी गायब हैं। बच्चे भी दो गायब? हाँ। दो बच्चे सब? 4। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम पंचायत घुसपुर और लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने पिछले 10 दिनों से लगातार की जा रही बिजली कटौती को लेकर बिजली सब स्टेशन बुझिया पर प्रदर्शन किया। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि 10 दिनों से लगातार बिजली कटौती की जा रही है, 24 घंटे में 1 से 1.5 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती है। वहीं बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों द्वारा सब स्टेशन पर मौजूद रजिस्टर में 8 घंटे बिजली सुचारू रूप से दिए जाने की एंट्री देख ली गई, जिसके बाद ग्रामीणों में अधिक रोष व्याप्त हो गया। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। किसानों का आरोप था कि उनकी बिजली विभाग के ढुलबुल रवैये के चलते मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब किसानों ने धान की फसल की है, तब भी बिजली विभाग के लोग बिजली उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के जेई और SDO से भी की, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना XEN विद्युत को लगी तो उन्होंने ग्रामीणों को फोन पर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। रंजीत सिंह जी, क्या समस्या आ गई जो आपको बिजली कराना? भैया बिजली नहीं आ रही, हमारी सब फसल सूख रही है और इनसे फोन करते हैं कोई नहीं अटेंड करता है। क्या दिक्कत आ रही, कब से बिजली नहीं है? कितनी बिजली? 5 दिन से बिल्कुल हालत खराब। 5 दिन हो गए हमको, बिल्कुल 1 घंटा 1.25 घंटा बिजली देते हैं। अच्छा, और फोन करने पर अटेंड नहीं करते, बोलते बिजली ऐसी चलेगी। कौन कहता है? जेई साहब कहते हैं, SDO साहब फोन नहीं अटेंड करते। सरकार ने तो 18 घंटे और 22 घंटे बिजली देने की बात कही थी। वो सरकार तो कहती है लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये बोलते हैं हमारी बिजली ऐसी चलेगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट आगरा से हैं, हमारे पे ऐप लगा हुआ है, हम 4 बजे से बिजली नहीं चला पाएंगे। इनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ये नहीं बिजली चलाते हैं। उच्च अधिकारियों से शिकायत की आपने? हाँ की। SDO साहब से वो फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं। एक्शन साहब से बोला कि हम उनको खींचते हैं, क्यों नहीं बिजली दे रहे हैं। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक के सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र
9412287579456214024। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच सिद्धार्थनगर जिले में वायरल से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज सहित जिले में अन्य अस्पतालों में इन मरीजों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। वायरल फीवर, डायरिया, डिसेंट्री से परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वायरल से फैल रही बीमारियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके अग्रवाल ने बताया कि बारिश न होने और उमस में बदलाव की वजह से इस तरह की वायरल का अटैक होता है। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वे स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, गर्मी धूप से बचने की पूरी कोशिश करें, खुले में रखी हुई चीजों को ना खाएं। साथ ही जब भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो तत्काल अपने नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना परीक्षण कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वायरल फीवर को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में पर्याप्त दवाई उपलब्ध है और डॉक्टरों को भी तैनाती कर सबको समुचित इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। साहब ने खुद ही कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक वायरल फीवर का प्रकोप चलता है। अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति में नहीं है कोई। तो हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और चार दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था। अब इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जाँच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है। हम सभी इस तरह के वायरल फीवर की हम कोविड के लिए भी जाँच करवा रहे हैं, साथ में मलेरिया की जांच करवा रहे हैं और क्लिनिकल आधार पर उनको दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। हमारे जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ETC चलता है, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चलता है, वहाँ भी हाई फीवर वाले मरीजों को रखते हुए उनका उपचार करा रहे हैं। तो इस तरह से हम मौसमी बीमारियों के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं और जनपद में कोई भी जनहानि न हो इसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं है, दवाओं की पर्याप्त मात्रा सभी उपलब्ध है और इसकी रिव्यू भी एक मीटिंग अभी आयोजित हो रही है। उसमें जहाँ तक मुझे अभी जानकारी है इतनी कमी तो नहीं है। ये जरूर है कि कुछ डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ जाए गए हैं, कुछ आ रहे हैं और ट्रांजिशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसको हम लोग आज से कल तक उसको बिल्कुल रेशनलाइज कर लेंगे और सारे स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई ना कोई डॉक्टर तैनात हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। इस पर काम हो रहा है, आज से कल तक में काम हो जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंभापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर।
फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर।